नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और कहते हैं कि सियासत में जाने कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। आज महाराष्ट्र में ठीक वही देखने को मिला है। पुराने दोस्त शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खियां आई, ऐसा लगा दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही हाथों में हाथ डालकर एक साथ चलने को तैयार हैं। आखिर इस तैयारी के पीछे की शर्तें क्या हैं, देश की बात में आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देश की बात में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर पूरा देश उबल रहा है। पुलवामा हमले में 4 दिन बाद सुरक्षा बलों ने हमले के मास्टरमाइंड कामरान राशिद गाजी और उसके 2 साथी आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि इसकी कीमत बड़ी चुकाई गई। एनकाउंटर में सेना के एक मेजर समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। इस बीच एनकाउंटर साइट से पुलवामा पुलिस का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों को मौके पर से हटने की गुहार लगा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि आमतौर पर आरोप लगता है कि सेना घाटी में स्थानीय लोगों को तंग कर रही है, लेकिन यहाँ आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है किस तरह से आम नागरिकों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जो सच्ची तस्वीर है कश्मीर की और आज की स्थिति की, आज के हालात की। इसी बीच शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को भी हम श्रद्धांजलि देंगे। सोमवार को हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया गया और चित्रेश बिष्ट की इस शहादत को याद रखते हुए ज़रूर हम इस बात का अहद अपने आप से करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारा और कोई सैनिक इस तरह से तो शहीद नहीं होगा, दुश्मनों की कायराना हरकतों का निशाना नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक IED को नाकाम करते हुए मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हुए थे। बताएंगे आखिर कश्मीर में कैसे मजबूत हुई हैं आतंकवाद की जड़ें, आपको हम उस गहराई तक ले जाएंगे, उस वास्तविकता तक ले जाएंगे जिसकी वजह से आज आतंकवाद इस रूप में हमारे सामने है और उसका क्या हल हो, ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके सामने रखेंगे कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद शुरू होने से लेकर अब तक की कहानी। आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि तमाम संसाधनों और चेतावनियों के बाद भी बार बार आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में सुनवाई शुरू हुई है। सुनवाई के पहले दिन भारत का पक्ष क्या रहा, पाकिस्तान ICJ के मंच का गलत इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसकी पूरी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से पुलवामा हमले का जिक्र किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मोरिसियो मैक्री के साथ विपक्षीय वार्ता में उन्होंने वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलवामा में आतंकवादी हमला साबित करता है कि बातचीत का समय अब बीत चुका है। प्रधानमंत्री के इस बयान से कौन सी इशारे मिल रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबरों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की कस्में खाने वाली शिवसेना ने आखिरकार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया है, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि अब ये दोस्ती दुश्मनी, दुश्मनी दोस्ती, किस तरह से खेल चला सब कुछ और आने वाले दिनों में इसकी रंगत क्या होगी, ये जांचने की कोशिश होगी आज देश की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट के तुतिकोरिन प्लांट को फिर से शुरू करने की मंजूरी देने से इनकार क्यों किया है, ये जांचने की कोशिश करेंगे। और तमाम खबरों के बीच कुछ अच्छा भी हो रहा है तो हमारे विशेष सेगमेंट खबर अच्छी है में आज नवी मुंबई से खबर आपके सामने रखेंगे। आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए एक ऐसे शख्सियत को भी याद करेंगे जो आज तक हमारे जहन में बसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और इस कार्यक्रम की शुरुआत दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जो हुई उसके तफसील से करते हैं। पिंगलेना गांव में हुई इस मुठभेड़ में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा फोर्सेस की टीम ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड रशीद गाजी भी शामिल है। सेना के मेजर समेत 5 सैन्यकर्मी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए।
जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी अमित कुमार, सेना के ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत कई सैन्य कर्मी भी इसमें घायल हो गए। जब हम और आप सो रहे थे तब हमारे सैनिक इन आतंकियों से लड़ रहे थे। पुलवामा हमले के चार दिन बाद सुरक्षा बलों ने मास्टरमाइंड गाजी का काम तमाम कर दिया। 14 फरवरी को हुए फिदाइन हमले का मास्टरमाइंड कामरान राशिद गाजी और बिलाल अहमद नाइक उर्फ राशिद मुठभेड़ में मारे गए। हालांकि एनकाउंटर में सेना के एक मेजर समेत चार जवान शहीद हो गए। पुलवामा हमले के बाद से ही सुरक्षा बल गाजी की तलाश में अभियान चला रहे थे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा से करीब 10 किलोमीटर दूर पिंगलेना में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद आतंकियों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया कि जो मास्टरमाइंड है बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान में, हम सब जानते हैं, जो कि आईएसए की सपोर्ट और पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ में काम कर रहा है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए ओवर्ट या कोवर्ट मीन से। अमेरिका ने किया ओसामा को, इसराइल होता तो अभी तक कर देता, हमने क्यों नहीं किया? उसको खत्म कीजिए, आप एक नई सुबह जम्मू कश्मीर में देखेंगे। 11 घंटे से ज्यादा चली इस मुठभेड़ में मेजर वीएस ढौडियाल सहित 55 राष्ट्रीय राइफल्स के चार जवान भी शहीद हुए। गाजी उर्फ कामरान जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर और आईईडी के जरिए धमाके करने का एक्सपर्ट था। सेना को 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद से ही कामरान की तलाश थी। सिर्फ पुलवामा में नहीं बट पूरी वैली में ये आर्म फोर्सेस को खुली छूट देनी चाहिए कि आप लोग जिस तरह चाहो उस तरह आप लोग आतंकवादियों को पकड़ कर निकालो बाहर या उनको मार गिराओ एक्शन में। तो ये खुली छूट होगी तभी ये सारी घटनाएं जो है ये कम होंगी। जैश मोहम्मद के टॉप कमांडर कामरान ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका और जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया था। गाजी ने ही हमले की पूरी साजिश रची और वो मसूद अजहर के सबसे विश्वसनीय करीबियों में से एक था। ब्यूरो रिपोर्ट एपी। उधर आज हुई मुठभेड़ की जगह से पुलवामा पुलिस का एक वीडियो सामने आया है। इसमें आतंकियों की मदद के लिए आए स्थानीय लोगों से पुलिसकर्मी मौके पर से वापस जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आमतौर पर तथाकथित मानवाधिकार के जितने हिमायती होते हैं वो लगातार इस बात को कहते रहते हैं, अलग अलग मंचों पर उठाते रहते हैं कि हमारी सेना, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी पुलिस वहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। अगर ये सच है तो ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? आप खुद देखिए और इसका निर्णय कीजिए। आरोप लगता है कि सेना घाटी में स्थानीय लोगों को तंग करती है, आतंकवाद के नाम पर उन्हें निशाना बनाया जाता है, लेकिन ये तस्वीरें ठीक उलट है। हाथों में बंदूक होकर भी जवान पत्थर खाने को मजबूर हैं। अलगाववादी उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को पता है कि सामने कोई पराया नहीं बल्कि कोई अपना ही है जो पड़ोसी मुल्क के बहकावे में आकर रास्ता भटक गया है। सुरक्षा बल चाहे तो पल भर में ही उनका काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जवान इतना पत्थर दिल नहीं, वो आखिरी वक्त तक भटके हुए युवाओं को रास्ते पर आने का मौका देता है। आप नौजवानों से मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि आपकी जान जो है हमारे लिए निहायत ही कीमती है। आप नौजवान है, आपकी जिंदगी है आगे, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको तनबेह करता हूँ, आपको खबरदार करता हूँ, आप जज्बात से मत काम लीजिए, आप वापस चले जाइए। घाटी में सुरक्षा बलों के आगे जितनी बड़ी चुनौती आतंकवाद और अलगाववाद है, उतनी ही बड़ी समस्या खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखने की भी है। हाथों में अत्याधुनिक हथियार हो और सामने पत्थर लेकर कोई अलगाववादी चुनौती दे रहा हो तो इसका अंजाम सबको पता है, लेकिन यही तो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की खूबी है। वरना जिस पाकिस्तान के लिए चंद पैसों पर बिके लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ बात बात पर कैसे सेना सिर उठाने वालों का सिर कुचल देती है। क्या अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहाँ खतरा लाहक है, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइड पे आने से गुरेज करिए, मेहरबानी कीजिए वापस चले जाइए, घर में आपके वालदीन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जाने हमारे लिए बहुत कीमती है। अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने की कला भारतीय सुरक्षा बलों से बेहतर कोई नहीं जानता,
यूं ही नहीं हमारे जवानों का मस्तक हिमाचल से ऊंचा है, और यूं ही नहीं दुश्मन हमारे आगे पानी भरते हैं। हम दुश्मन का दम चूर जरूर करते हैं, लेकिन अपनों की कीमत पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ये तस्वीरें इस बात की ताकीद करती हैं कि हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे तमाम प्रशासनिक व्यवस्था आखिर कश्मीर से कैसे निपट रही है। कश्मीर के जो तथाकथित भटके हुए जवान हैं उनको भी समझाने की कोशिश कैसे की जा रही है। उसके बाद भी जो आरोप लगते हैं, जाहिर सी बात है कि उन आरोपों के पीछे की मंशा कुछ और है, और उस मंशा को समझने की कोशिश ज़रूर करनी होगी ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। और इसी की कोशिश हो रही है दिल्ली में। जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय में सेना अध्यक्ष के साथ कई उच्च अधिकारी आज इसमें शामिल रहे। पुलवामा जिले में हुई ताज़ा मुठभेड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और वो आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हम उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाई गई है, लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी होगा कि जिस तरह से किसी भी घटना के होने के बाद लगातार बैठकें होती हैं, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे तुरंत युद्ध हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि इसमें भी किसी का भला नहीं है। क्यों हम गाफिल रहते हैं, क्यों हमारे जो IB है उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो देर से पहुंचती हैं, क्यों हमारी इंटेलिजेंस अच्छे से काम नहीं कर पाती है, क्यों हमारे अंदर की जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो ढीली ढाली हो जाती है, खासकर वहाँ के लिए जो संवेदनशील जगह हैं। इस पर सोचने की समझने की ज़रूरत है। जो घटना अभी हुई है पुलवामा में, जाहिर सी बात है कि वो राजनीति से परे है, किसी दल की राजनीति से, किसी खास विचारधारा से परे है। ये देश की बात है और देश की बात पर पूरे देश के लोगों को, चाहे वो जनता हो, सरकार हो या नेता हो या मंत्री हो, सबको सोचने की और एक सुर में बोलने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल दिख तो रही है कि सब एक जैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें होना एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। यदि आप सोशल मीडिया को देखें तो वहाँ सबसे ज़्यादा भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं। हम उस पर भी नज़र रख रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आपको शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के सोमवार को अंतिम संस्कार में शामिल करने ले चल रहे हैं। चित्रेश पंचतत्व में आज विलीन हो गए। हरिद्वार में अंतिम संस्कार के वक्त जनसैलाब उमड़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक IED को नाकाम करते वक्त ब्लास्ट में मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हुए। उनकी 7 मार्च को शादी होने वाली थी। वे छुट्टियां मनाकर 3 फरवरी को ही घर से ड्यूटी पर गए थे। वहीं उत्तराखंड का एक और बेटा देश के लिए आज कुर्बान हुआ। पुलवामा एनकाउंटर में जिन 4 जवानों की मौत हुई उनमें मेजर विभूति नारायण ढोंढियाल भी शामिल हैं। जिस घर में कुछ दिन बाद शहनाई बजने वाली थी उस घर में सन्नाटा छाया हुआ। जिस बेटे के सिर पर कुछ दिनों के बाद सेहरा बंधने वाला था वो बेटा अब पंच तक में विलीन हो गया। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट पंच तत्व में विलीन हो गए। मेजर की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी की आंखों में गम के आंसू थे और शहीद मेजर पर गर्व भी था कि उत्तराखंड के एक और लाल ने देश की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। सेना ने अपने साथी को अंतिम सलामी दी। चित्रेश तो चले गए, लेकिन सेना और 130 करोड़ की जनता उनका ऋण कभी भी नहीं चुका पाएगी। सरकार को एक तो कश्मीर का जो है 370 धारा बिल्कुल हटा देनी चाहिए। दूसरा सरकार की आर्मी के हाथ में दे दो या तो सब कुछ उनकी पावर, वो फिर अपने आप निपटते हैं। तो अब ये है कि टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, जैसे को तैसे, बिल्कुल उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो चुका है। चित्रेश जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में IED को नाकाम करते वक्त हुए ब्लास्ट में शहीद हुए थे। चित्रेश की 7 मार्च को शादी होनी थी। वो छुट्टियां मनाकर 3 फरवरी को ही घर से ड्यूटी पर गए थे। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। सेना जिंदाबाद और चित्रेश अमर रहे के नारे गूंजते सुनाई दिए। इस दौरान भारत माता के जयघोष के नारे भी चारों तरफ सुनाई दिए। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। एक तरफ मेजर चित्रेश सिंह बिस्ट को अंतिम विदाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून के एक और जवान देश पर कुर्बान हो गया। पुलवामा एनकाउंटर में मेजर विभूति नारायण टोंडियाल भी शहीद हो गए। मेजर विभूति नारायण की शादी पिछले साल अप्रैल में हुई थी। अभी शादी को एक साल भी नहीं गुजरा था कि वो देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान देकर दुनिया को अलविदा कह गए। अच्छा, बचपन का दोस्त है मेरा, साथ ही बड़े हुए हैं हम, तो अभी यकीन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। अभी एक्सेप्ट करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। देश इन वीर सपूतों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा। देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। देश पर मर मिटने वाले सैनिकों का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना ने बलिदान का बदला लेना शुरू कर दिया है। आतंकी जहां भी छिपे सेना उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम का रास्ता दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विजय कुमार मौर्य के घर भटनी थाना क्षेत्र के छपिया जयदेव में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि शहीद के परिवार की सभी मांगों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। पुलवामा हमले में 12 जवान यूपी से शहीद हुए हैं। सभी के परिवारों को सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान सरकार ने किया तो है, पूरा कब होगा ये देखना होगा। प्रत्येक जवान के परिवार को राज्य सरकार की ओर से भी हम लोगों ने 25 लाख की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की है। उधर पुलवामा हमले के बाद देश के आम जन में जो गुस्सा है, वही गुस्सा देश के सुरक्षा बलों में भी है। पुलवामा हमले में 40 जवान खोने का बदला लेना सेना ने शुरू कर दिया है। सोमवार को ही जैश ए मोहम्मद के कमांडर गाजी राशिद उर्फ कामरान को ढेर किया गया, लेकिन अभी लंबी लड़ाई है। सूत्रों की माने तो घाटी में जैश के करीब 60 आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं और सेना उन्हें चुन चुन कर खोज खोज कर मारने का प्लान बना चुकी है। जम्मू कश्मीर में जैसे मोहम्मद ने अपने आतंकियों का जाल बिछाया हुआ है। पूरी घाटी में अभी भी 40 के करीब आतंकी मौजूद हैं, जो अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इनमें से 35 आतंकी विदेशी हैं, जो आतंक को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलवामा हमले और फिर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी अब अपने ठिकाने बदल रहे हैं। उधर सरहद के पार पाकिस्तान की सेना भी इन आतंकियों को बचाने में जुट गई है। एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना अलर्ट पर है, उसने भी उस पार स्थित आतंकी ठिकानों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। 14 फरवरी को भारत ने अपने 40 से ज्यादा जवानों को खोया था, जिसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने घाटी में ऑपरेशन तेज कर दिया है। सेना लगातार कश्मीर में हो रही हर गतिविधि के बारे में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को ब्रीफ कर रही है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में रिपोर्ट दी। माना जा रहा है कि सेना इस बार कश्मीर में आर पार की लड़ाई के मूड में है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की उसने तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिन्हें सीआरपीएफ के जवानों को वायु मार्ग से न ले जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि राज्य में सुरक्षा बलों को ले जाने के लिए वायु मार्ग को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि आवागमन सड़क मार्ग से भी जारी रहेगा, क्योंकि ऐसा करना साजो सामान ले जाने और सैन्य अभियानों के लिए जरूरी होता है। तमाम रिपोर्ट और कयासों को दरकिनार करते हुए गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ले जाने के लिए वायु मार्ग को बढ़ावा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा कि राज्य में अर्धसैनिक बलों का आवागमन सड़क मार्ग से भी जारी रहेगा, क्योंकि साजो सामान ले जाने और सैन्य अभियानों के लिए ये जरूरी है। दूसरी ओर सीआरपीएफ के महानिदेशक के मुताबिक सड़क मार्ग से सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही के लिए मानक प्रक्रिया में फेरबदल का फैसला लिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक यातायात नियंत्रण से लेकर यात्रा के समय और रुकने के स्थानों में भी फेरबदल किया गया है। अर्धसैनिक बलों का मूवमेंट अब सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर होगा। पुलवामा में हमले के बाद नई प्रक्रिया से दो काफिलों को रवाना भी किया जा चुका है। इस बीच गृह मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को जम्मू श्रीनगर सेक्टर से हेलीकॉप्टर से भेजने के एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने इस खबर को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सैन्य बलों के आवागमन के समय को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में वायु सेवाओं का विकल्प बढ़ाया गया है। सुरक्षा बलों और सेना के काफिलों का सड़क मार्ग से भी मूवमेंट होता रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सच ये है कि पिछले कुछ सालों से जवानों का समय बचाने के लिए सभी सेक्टरों में वायुसेना का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। फिर चाहे जवानों की ये यात्रा उनके सैन्य कार्य के लिए हो या छुट्टी को लेकर घर जाने के लिए। जनवरी 2019 में सीआरपीएफ के लिए कई दौर की उड़ानें हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपी। पर आखिर क्या कारण है कि तमाम संसाधनों और चेतावनियों के बाद भी बार बार आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तमाम दावों, तमाम इरादों के बाद भी हमारे जवानों को इन कायराना हरकतों से शहीद होना पड़ता है और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हीं कारणों को तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला होता है और इसमें 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इसी तरह कई और हमलों में सुरक्षा बल भारी नुकसान उठा चुके हैं। हर बार हमला होने के बाद वजहों की तलाश की जाती है। ज्यादातर मामलों में यही बात निकलकर सामने आती है कि खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भेजा था लेकिन सूचना तंत्र में खामी की वजह से हमला हो गया। हालांकि ज्यादातर अलर्ट में ये बात नहीं होती कि हमला कौन करेगा और हमले की प्रवृत्ति कैसी रहेगी। ये सब जानकारी हमारे खुफिया तंत्र के पास नहीं होती। जबकि अमेरिका और दूसरे कई यूरोपीय देशों में ज्यादातर आतंकी हमलों को पहले ही खत्म कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें हमले के बारे में हर पुख्ता सूचना समय रहते मिल जाती है। देश में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मूल स्रोत की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। पुलिस के सिपाही, मुखबिर और आम जनता का सहयोग लेने में खुफिया तंत्र की कोई रुचि नहीं। यही वजह रही कि पुलवामा धमाके की सूचना होने के बावजूद उसे नाकाम नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ अमेरिका में 9/11 के बाद खुफिया सूचनाओं के लिए इस मूल स्रोत यानी सिपाही और मुखबिर का व्यापक इस्तेमाल हुआ है। नतीजा लादेन की मौत से लेकर अब तक वहां हमले के करीब 64 बड़ी साजिशों को नाकाम कर दिया गया। ज्यादातर यूरोपीय देश और इसराइल भी ऐसे ही तंत्र का इस्तेमाल कर हमलों को टालते रहे हैं। सिपाही को सूचना का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है क्योंकि वो सामान्य लोगों के साथ परिवहन, बाजार, सिनेमा, टी स्टॉल और यहाँ तक कि वो उनके साथ सार्वजनिक टॉयलेट इस्तेमाल करता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इसराइल सहित अनेक यूरोपीय देशों में खुफिया सूचनाओं के लिए सिपाही पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। उसे भारी नकद इनामी राशि के अलावा तरक्की भी मिलती है। इसके बाद मुखबिर का नंबर आता है। अमेरिका में आतंकी हमले की पुख्ता सूचना देने वालों को बतौर प्रोत्साहन राशि कार और हजारों डॉलर तक की राशि दी जाती है। इसी के चलते सिपाही और मुखबिर को सुरक्षा एजेंसियों में कई गुना प्रभाव बढ़ाने वाले कर्मियों में शामिल किया जाता है। जबकि भारत में ना कोई ऐसी व्यवस्था है और ना ही सामान्य ड्यूटी करने वाले सिपाही को खुफिया इकाई से जोड़ा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपी। तो इन तमाम खामियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत गंभीर खतरा है और आतंकवादियों और उनके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकना आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। भारत की यात्रा पर आए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। प्रधानमंत्री ने बातें तो बहुत बड़ी की हैं और देश का जो मूड है वो भी कुछ ऐसा ही है जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि बात करने का अब वक्त नहीं है। लेकिन आखिर इसके लिए रास्ता क्या हो, राह क्या है, बदला कैसे लेंगे, इसको लेकर अभी हर तरफ चुप्पी सी है। देखिए रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश बदला मांग रहा है। लोगों का गुस्सा हर दिन के साथ बढ़ रहा है। सरकार पर दबाव है कि वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि दुश्मन हमेशा याद रखे। प्रधानमंत्री मोदी भी देश की भावना को समझते हैं। यही कारण है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मोरिसियो मैक्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में उन्होंने वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में आतंकवादी हमला साबित करता है कि बातचीत का समय अब बीत चुका है। कि आतंकवाद वैश्विक शांति
और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि अब पूरी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ एकजुट होना होगा और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने बिना नाम लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकना भी एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देना है। आतंकवादियों और उसके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। G20 देशों के तौर पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने पर हैम्बर्ग लीडर स्टेटमेंट के 11 सूत्री एजेंडा को कार्यान्वित करें। अपनी हर रैली हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पुलवामा हमले का जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने सेना को किसी भी तरह से कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि समय स्थान और स्वरूप तय करने की जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई है, यानी इतना तो तय है कि बदला जरूर लिया जाएगा, बस इंतजार उसके समय और स्वरूप को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर पुलवामा हमले के बाद पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू विवादों के घेरे में फंस गए थे। उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धू के खिलाफ पंजाब की विधानसभा में जमकर नारेबाजी हुई। अकाली दल के नेताओं ने सिद्धू के बयान पर उनसे और कांग्रेस से सफाई मांगी। अकाली दल ने सिद्धू पर कार्रवाई की भी मांग की है। पुलवामा हमले के बाद अपने बयान को लेकर अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हर तरफ से घिर गए हैं। न सिर्फ विपक्षी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, बल्कि सीएम अमरिंदर सिंह और कांग्रेस तक ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। सिद्धू के खिलाफ पंजाब के विधानसभा में जमकर नारेबाजी हुई। अकाली दल के नेताओं ने सिद्धू के बयान पर सफाई मांगी। गर्मा गर्मी काफी बढ़ गई और विधायक एक दूसरे के सामने आ गए। विपक्ष ने सरकार से सिद्धू पर कार्रवाई की मांग की। वो पाकिस्तान के हक की बात करता है तो वो देश से गद्दारी करता है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए सिद्धू साहब ने जो बात कही है, ये कांग्रेस पार्टी को इनको पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने तो सपोर्ट किया है कि हम इकट्ठे हैं, मोदी साहब को पूरी पावर देते हैं कि जो मर्जी करें। अकाली दल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पुलवामा के मुद्दे पर सरकार को समर्थन दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और पंजाब में उन्हीं के सरकार के मंत्री पाकिस्तान से मित्रता की दुहाई दे रहे हैं। विपक्ष ने इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस से सफाई मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और जिस वक्त देश में पुलवामा को लेकर गुस्सा चल रहा था, ठीक उसी वक्त आईसीजे में हमारे एक सपूत कुलभूषण जाधव पर सुनवाई चल रही थी और पुलवामा का असर वहां भी दिखा। भारतीय राजनयिकों ने पाकिस्तान के अधिकारियों से हाथ नहीं मिलाया। उधर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में आज भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आईसीजे के मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान बिना देरी जाधव को काउंसलर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। इस मामले में सुनवाई अब 4 दिन तक चलेगी। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर जैश ए मोहम्मद के हमले के 4 दिन बाद भारत और पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले में आमने सामने हुए। मंच था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी हेग स्थित आईसीजे। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने कुलभूषण जाधव के पक्ष में दलीलें रखी। हरीश सालवे ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई भी विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया है। पाकिस्तान बिना देरी जाधव को कौंसुलर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य। बिना काउंसलर एक्सेस के जाधव को कस्टडी में रखे जाने को गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जाधव मामले का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि 30 मार्च 2016 को भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया था कि जाधव को काउंसलर उपलब्ध कराया जाना है, हमें इस पर कोई जवाब नहीं मिला। भारत ने अलग अलग तारीखों पर पाकिस्तान को 13 रिमाइंडर भेजे थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को विस्तार पूर्वक ये बताना चाहिए कि आखिर कौंसुलर एक्सेस देने में 3 महीने का समय क्यों लग गया। कुलभूषण का परिवार उनसे मिलने 2017 में पाकिस्तान गया था।
मुलाकात के दौरान जाधव और परिवार सीसीटीवी की निगरानी में था और उनके बीच एक कांच की दीवार थी। For the 13th time, Pakistan was again requested to provide consular access. On 20th April 2017, a spokesperson for Pakistan held a press briefing in which he mentioned, quote, regarding consular access, we have said earlier also that we have a bilateral agreement on consular access. And according to Article 4, in all such cases, as the one of Commander Kulbhushan, the request of the this nature would be decided on the basis of merits. ICJ में ये सुनवाई चार दिन चलेगी। मंगलवार को पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद भारत 20 फरवरी को इस पर जवाब देगा, जबकि इस्लामाबाद 21 फरवरी को अपनी आखिरी दलीलें पेश करेगा। इस साल इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है। पाक सैनिकों ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से पकड़ा था। उन पर अफगानिस्तान में जासूसी के आरोप लगाए गए और मिलिट्री कोर्ट ने 10 अप्रैल 2016 को उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। इस पर रोक लगवाने के लिए भारत ने ICJ का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने 2017 में जाधव को सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो कुलभूषण की सजा को नहीं बदलेगा। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है, बल्कि पाक सैनिकों ने उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से किडनैप किया था। भारत ने कोर्ट से अपील की है कि पाकिस्तान को जाधव की सजा रद्द करने का आदेश दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। पुलवामा आतंकी हमले के बाद लोग पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का जवाब देने की मांग कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत से अपना उच्चायुक्त सुहेल महमूद को विचार विमर्श के लिए वापस बुला लिया है। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने कश्मीर में जनमत संग्रह का सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वह जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों नहीं करा रही है। कमल हासन ने POK को आजाद कश्मीर बताया। लंबे समय से BJP से नाराज चल रहे दरभंगा सांसद कीर्ति आजाद कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आजाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। BJP UP में बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के निचले स्तर से जिन सांसदों की रिपोर्ट अपेक्षाकृत खराब आ रही है, माना जा रहा है कि इस बार उनका टिकट काटा जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का तबादला हो गया। सूत्रों के मुताबिक अब ये जिम्मेदारी अनुज शर्मा को दी गई है। वहीं राजीव कुमार को राज्य की CID में भेजा गया है। अपने तरीके से सियासत हर घड़ी चलती रहती है, चाहे कोई भी माहौल हो। नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते ही हैं। BJP भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और इस वजह से 2019 के चुनाव के ठीक पहले वो तमाम आंकड़े बिठाने में लगी हुई है, तमाम समीकरण बिठाने में लगी हुई है। और इसी के तहत आज एक बड़ी नाराजगी दूर की उसने अपने एक पुराने दोस्त के साथ। शिवसेना और BJP के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर सहमति बन गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और BJP अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि BJP और शिवसेना के बीच मतभेद जरूर हैं, लेकिन हमारे मूल विचार एक ही हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के खस्मे खाने वाली शिवसेना ने आखिरकार BJP के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से BJP 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद को लेकर BJP ने शिवसेना के सामने ढाई ढाई साल का फॉर्मूला रखा है। वहीं शिवसेना की मांग है कि अगर गठबंधन सरकार बनती है तो BJP की सीटें ज्यादा होने पर भी मुख्यमंत्री शिवसेना का ही हो। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर, अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है। और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे दोनों सरकार में, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था आज यही इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है। 2014 का लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने साथ लड़ा था। इस चुनाव में BJP 24 और शिवसेना 20 सीटों पर लड़ी थी। उस वक्त गठबंधन में शामिल राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष को भी 2 सीटें मिली थी।
जबकि एक एक सीट राष्ट्रीय समाज पक्ष और रामदास अठावले की आरपीआई को दी गई थी। अब शेट्टी गठबंधन से अलग हो गए हैं। इन चुनावों में बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 2 और स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट मिली थी। हालांकि 2014 में ही हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद उसने बीजेपी को समर्थन दिया और गठबंधन सरकार बनी। हालांकि दोनों दलों के बीच रिश्ते पिछले 5 साल में तनावपूर्ण रहे हैं। कई बार ऐसे मौके रहे हैं जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है, तो साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की वो प्रशंसा करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूं तो ये 21वीं सदी है और आज से लगभग 2 शती पहले, लगभग 1857 से भी के आसपास मीर बहुत बड़े शायर हुआ करते थे और तब उन्होंने लिखा था कुछ आज के सियासी माहौल पर और इस दोस्ती पर। ख़ास तौर पर ये मौजूद है कि किसी का हुआ आज कल था किसी का, न है तो किसी का न होगा किसी का। सियासत और सियासतदान नेता कुछ ऐसे ही होते हैं, आज किसी के कल किसी के, जनता के कब होंगे ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज वेदांता ग्रुप के कंपनी स्टरलाइट के तुतीकोरिन प्लांट को फिर से शुरू करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की योग्यता के आधार पर तमिलनाडु सरकार की याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि एनजीटी के पास संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले साल प्लांट में हुए हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार ने इसे बंद करवा दिया था। पिछले साल हुए हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार ने वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट के तुतीकोरिन प्लांट को बंद करवा दिया था, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 दिसंबर को प्लांट शुरू करने की इजाजत दे दी। इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने स्टरलाइट के तुतीकोरिन प्लांट को फिर शुरू करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। एनजीटी का आदेश खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेदांता ग्रुप चाहे तो मद्रास हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई की अपील कर सकता है। स्टरलाइट प्लांट के बाहर पिछले साल हिंसक प्रदर्शन हुआ था। 22 मई 2018 को पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। इस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए थे। हिंसक प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्टरलाइट का प्लांट स्थायी रूप से बंद करने के आदेश दिए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्टरलाइट के प्लांट की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की वजह से 2013 में भी स्टरलाइट का प्लांट बंद कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से शुरू हो गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को निर्देश भी दिए थे कि वो इलाके में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। और हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो हमारे खास सेगमेंट खबर अच्छी है में आज हम आपको एक खास खबर दिखाते हैं। किसी जेल का जिक्र होने पर पहला ख्याल आता है काल कोठरियों और अंधेरी जिंदगी का, लेकिन नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में आजकल अलग तस्वीर दिखती है। यहाँ दोपहर 12 बजते ही लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ आती है जो बताती है कि आज जिंदगी कितनी ही कठिन क्यों न हो, ऐसा वक्त हमेशा नहीं रहने वाला है, जल्द ही बेहतर दिन आएंगे। इसी के साथ गीत बज उठता है और उसके बाद माहौल बिल्कुल बदल जाता है। देखिए खास रिपोर्ट उस माहौल की। जेल में बंद बड़े बड़े अपराधी, खूंखार बंदी किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी के प्यार भरे तराने गा रहे हैं। नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में हर दिन सैकड़ों बंदियों को सुहाने गीत सुनाए जा रहे हैं। तलोजा केंद्रीय जेल में कैदी रेडियो स्टेशन चलाते हैं। जेल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि संगीत आत्मा में पहुंचता है और कैदियों के लिए तनाव से बाहर निकलने के लिए इससे अच्छा विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। होने वाला गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस काम में नवी मुंबई की एनजीओ ने मिक्सर, लैपटॉप और माइक्रोफोन जैसे उपकरण उपलब्ध कराए। कैदियों को ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की गई। हर दोपहर 12 से 1 बजे 3 लोगों की एक टीम 1 घंटे का शो पेश करती है। तलोजा जेल में रेडियो स्टेशन के पीछे पुणे की यरवादा में स्थापित रेडियो स्टेशन रहा, जहां कभी संजय दत्त रेडियो जॉकी थे।
उस वक्त वह 1993 मुंबई ब्लास्ट के केस में सजा काट रहे थे। सर्वजीत सोनी, APN, मुंबई। और अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। फरवरी 1930 में आज ही के दिन मशहूर खगोल शास्त्री क्लाइव टॉम्बो ने कुछ तस्वीरों की मदद से प्लूटो ग्रह की खोज की थी। कई सालों तक प्लूटो को सौरमंडल का नवा ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में आधुनिक परिभाषा के तहत इसे ग्रह की जगह बौना ग्रह कहा जाने लगा। साल 1911 में आज ही के दिन पहली बार आधिकारिक तौर पर चिट्ठियों को हवाई जहाज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था। 6,500 की संख्या में चिट्ठियों को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर नैनी भेजा गया था। साल 1836 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल में हुआ था। उनका असल नाम गदाधर चटर्जी था। ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच उन्होंने शिष्यों के साथ मिलकर हिंदू धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए आंदोलन शुरू किया। 16 अगस्त 1886 को उनका निधन हुआ। नमस्कार।